स्कॉर्पियो एम होक इंजन। ये देखो इसमें दिक्कत क्या थी, एसी में, एसी में क्या था भाई, किसी मैकेनिक ने पहले ये कंडेंसर रिपेयर कराया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है वेल्डिंग वगैरह हुई है इसमें, और ये 10 से 15 दिन चला भी है, उसके बाद में फिर लीक कर गया। लीक कहाँ से किया, आप दूसरी जगह से लीक जाए, ये आपको नज़र आ रहा, देखो ये क्रैकिंग है इसमें, दबा हुआ है, तो ये दूसरी जगह से लीक कर गया। पहले जब मैकेनिक के पास जब भी गाड़ी गई है, तो पहली बात तो मैकेनिक को मैं गलत नहीं ठहराता, लेकिन ये कहता हूँ भाई मैकेनिक देख लीजिए कि भाई ये चलने वाली चीज़ है कि नहीं। एक तो गाड़ी पुरानी हो चुकी है, पुरानी है तो ये कंडेंसर इतना कमज़ोर हो चुका अंदर से कि एक जगह से चलो वेल्डिंग उन्होंने करा भी दिया, अब दूसरी जगह पर भी दिक्कत आ रही है, वहाँ से भी वेल्डिंग करा रहे थे, तब जो है थोड़ा इनके दिमाग में ये आई कि भाई क्यों ना किसी और से चेक कराया जाए, तो मेरे पास ये आए हैं, और मेरे पास आए हैं तो मैंने आते के ही साथ देखा कि भाई ये तो कंडेंसर जो है डैमेज स्थिति में है, तो इसको चेंज करना ही बेटर है, क्योंकि बार बार हम अगर किसी चीज़ को थोड़ा खर्चा कर करके उसको दो चार बार रिपेयर करा के और बार बार गैस भर के उसमें अगर लगाते हैं तो देखो खर्चा तो वहीं पहुँच जाता है, तो क्यों ना एक ही बार दिमाग लगा के जो सोचा जाए कि भाई किया क्या जाए। तो इस कंडीशन में मैं जो है इसको चेंज करने की सलाह देता हूँ, तो इसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद ही एसी सही तरह से चल पाएगा। आगे दिखाएंगे आपको कि क्या है। देखो हमने जो है कंडेंसर मंगवा लिया है नया, ये नया कंडेंसर है, मैं निकाल के निकालो ज़रा इसमें से, अच्छे से निकालो इसको, दिखाओ ज़रा, ये मैंने कंडेंसर मंगवा लिया है नया, अब इसको जो है इसमें फिट कर देते हैं गाड़ी में, गाड़ी में फ़िट करेंगे नया कंडेंसर, फिर उसके बाद जो है इसकी कूलिंग बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि पहले ही अगर इसको चेंज कर देते तो फिर बार बार ना तो गाड़ी खड़ी होती, टाइम ख़राब नहीं होता और पैसा भी नहीं लगता। अब इसको चेंज करेंगे, गाड़ी में लगाएंगे, दिखाते हैं कैसे। और ये कंडेंसर फैन के साथ में इसके अंदर हम फिटिंग कर देते हैं, आराम से कर देंगे फिटिंग, जाएगा थोड़ा डास तो करता ही है। भाई अब इसमें हम जो है इसके अंदर प्रेशर डाल रहे हैं लाइन के अंदर, कंप्लीट एसी की जो लाइन है ये आपको दिखा देते हैं, इसके अंदर प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर पहुंच गया हमारा तो 150 तो कम से कम डालेंगे, 125 भी डाल सकते हैं, 150 पार करके जो है 125 के करीब इसको रोक देंगे, और 10 से 15 मिनट इसको छोड़ के रखेंगे कि भाई अगर प्रेशर डाउन आएगा तो लीकेज कहीं ना कहीं और भी है, नहीं तो ये कंडेंसर में ही थी जो हमने चेंज कर दिया, कंडेंसर तो नया डाल दिया, लीकेज थी पुराने वाले में, तो वो पता लगेगा। 15 से 20 मिनट हम इसको प्रेशर को यहाँ पे रोक के रखेंगे। बेटा बंद कर इसको ज़रा, यहीं से कर दे, ये प्रेशर हमने यहाँ पे रोक दिया है, और इसको हम रोक के रखेंगे 15 से 20 मिनट, उसके बाद चेक करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा, देखो बिल्कुल काले वाले मार्क से मिलती हुई सुई है, अब 15-20 मिनट बाद फिर चेक करेंगे कि भी ये डाउन तो नहीं है। भाई मीटर जो है बिल्कुल सही है अपनी जगह पे जहाँ थी सुई, अब मैं इसको जो है ना दिशा को चेंज कर देता हूँ। अब प्रेशर तो इसके अंदर चेक कर लिया हमने, अब इसमें वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम के दौरान जो है इसमें कंप्रेशर ऑयल भी डालेंगे, ऑयल डालने के बाद में जो है गैस रिफ़िल करेंगे इसके अंदर। अब ये मैंने मीटर चेंज कर दिया है, ये प्रेशर डालने वाला था, ये वैक्यूम करके गैस डालने वाला है, अब मैंने इसके साथ से लाइन जोड़ दिया, अब करते हैं आगे की कार्रवाई। भाई ये कंप्रेशर ऑयल है, ये इसके अंदर जाएगा वैक्यूम के दौरान, ये देखो अग गया बिल्कुल, ये चला गया, ये पूरा इसने लाइन में ले लिया। कंप्लीट लाइन में चला गया कंप्रेशर ऑयल। भैया अब इसमें गैस डालने जा रहे हैं हम, ये फ्लोर ये है 134 नंबर ए,
ठीक है, धीरे धीरे बेटा एक बार मीटर पे दिखाया, ये देखो मीटर पे दिखना चाहिए, ये अपने आप जो है इसके अंदर लेगी गैस, जो है अपने आप जा रही है लाइन के अंदर, इसको जब ये लेना बंद कर देगी तो फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर एसी ऑन करेंगे, ब्लोअर ऑन करेंगे तो बाकी की तब लेगी। ये आप देख रहे हो धीरे धीरे अपने आप ही बिना गाड़ी स्टार्ट लाइन में जा रही है गैस। अब बेटा एक काम कर, वो कर जाके गाड़ी स्टार्ट बंद कर। एसी तो हो चुका बिल्कुल सही, चिल्ड है बिल्कुल, ओके होगी।